हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 25th जैन से टू का टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी यू, हाउ एवर एट डिफरेंट एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजेंटल। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा हॉरिजेंटल रेंज का, वो क्या होगा ये पूछ रहा है। बट दोनों का जो एंगल का सम है ना, वो 90 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दोनों का एंगल का सम 90 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये होगा कि एक अल्फा पे अगर प्रोजेक्ट हुआ है यहाँ पर ऐसे यू स्पीड से, तो इसका अगर रेंज यहाँ पर यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी होगा। ठीक है, तो दूसरे को जो प्रोजेक्ट किया गया ना, वो कितने एंगल पे, बीटा एंगल पे, बट सेम स्पीड से बीटा एंगल पे। तो अब यहाँ पर जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाई जी। ठीक, बट एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर है, एक बात और यहाँ पर क्लियर क्या है बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आप यहाँ रखिए आर टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू इंटू बीटा की जगह पर 90 माइनस अल्फा रख दीजिए, ओके, डिवाइडेड बाई जी कर दीजिए। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू अल्फा बाई जी। तो यहाँ से आर टू मतलब रेंज क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी। तो अब ये इक्वेशन नंबर टू, तो अब यहाँ पर रेशियो लीजिए आर वन अपॉन आर टू का, रेंज वन अपॉन रेंज टू का। तो वन क्या है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, और जो टू है ना, ये है तो बीटा, बट अल्फा के टर्म में देखो ये भी क्या आ गया, साइन टू अल्फा ही आ गया, ये भी तो साइन टू अल्फा ही आ गया ना यहाँ पर अपॉन जी, तो दोनों सेम आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा, वन इज टू वन। तो यहाँ जो रेशियो आएगा बच्चों, वो होगा वन इज टू वन, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर।